ऐसा सर्किट है हम लोगों के पास, इस सर्किट का एक सर्किट दे दिया गया है, इस सर्किट का हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना बच्चों। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, अब देखो पॉइंट ए और डी के क्रॉस निकालना, ये यहां है डी यहां है, मतलब जब कभी भी मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी, तो ए और डी के बीच कनेक्ट करूंगा प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी। तो अगर अच्छे से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यूजलेस है, दिस इज यूजलेस, बिकॉज इसमें करंट जाएगी तो, पर वापस सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, सो आई विल नेग्लेक्ट इट, ये सर्किट का पार्ट नहीं है इस सर्किट का। अगर मैं इसको क्लोज कर देता, मान लो इसको मैंने ऐसे क्लोज कर देता, तब ये काउंट होता, बट अभी ये काउंट नहीं होगा। सिमिलरली दिस पार्ट इज यूजलेस, क्योंकि इसमें करंट गई होगी पर पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, तो वो हमारे लिए यूजलेस है। तो अब बाकी ये जो सर्किट है बच गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये यूजलेस है। तो ये इस सर्किट को मैं बना सकता हूँ ऐसे कुछ, अब ये सर्किट कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे 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 और ये ऐसे कुछ दिखेगी, ये सर्किट दिखेगी ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये 10 का और ये 10 का और ये 10 का और ये 10 का, ये 10 का और ये 10 का। तो अब ये दोनों चीज किस में कनेक्टेड है प्यारे बच्चों, ये वाला, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 10 10 20, तो फाइनली जो सर्किट दिखेगी वो ऐसे और ये आपस में कनेक्ट हो गए, दैट इज 20 और ये यहाँ से मिल गया हमारे पास 20 और ये यहाँ पहले था 10, तो कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। अब 20 एंड 20 दीज आर इन पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये सर्किट 10 और 10 और ये पहले से लगा था 10, तो ये 10, तो ये दोनों मिलके 10 हो गए और 10 10, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। तो फाइनली जो है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए डी जोड़ लो 10 10 10, दैट इज 30 ओम, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज ए ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश